नमस्कार, मीरा मेहता किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं सोया साग। पिछली वीडियोस में मैंने सोया साग की सब्जी बनाई थी आलू के साथ, और उसके बहुत फायदे भी बताए थे कि उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और उसको हम कैसे कैसे खाने में यूज कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आज हम मैं बताऊंगी सोया साग को हम कैसे सुखाने के बाद उसको यूज कर सकते हैं और कैसे कैसे उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सोया साग है, इसको अब हम कैसे साफ करेंगे ताकि धूप में मतलब आसानी से सूख सके। इसमें फ्रेंड्स, हमने इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है 4 से 5 पानी से, और उसके बाद इसको एक छलनी में इसको रख दिया था ताकि इसका पानी निकल जाए, क्योंकि गीले में ये साफ नहीं होंगे और ये अच्छे से सूख गए हैं। अब उसके बाद अब इसको हमने जो निकालने हैं पत्ते, इसको हम ऐसे ऐसे ये पत्ते निकालेंगे, ये देखिए, और बहुत आसानी से निकल जाते हैं और जल्दी भी निकल जाते हैं, ये देखिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें सारे पत्ते निकाल लेंगे, और मैंने कुछ पत्ते ऐसे साफ निकाल के भी रखे हुए हैं। और फ्रेंड्स, इसको हमने जब ये पूरा साफ हो जाएगा तो हमने डंडियों को भी नहीं फेंकेंगे, जैसे इनको भी हम सुखा लेंगे, इनके भी हम छोटे छोटे ऐसे टुकड़े कर लेंगे क्योंकि ये जल्दी सूख जाएंगे इस तरीके से। और जब ये अच्छे से कट जाएगा तो इसको हमने 4 से 5 दिन के लिए पंखे के नीचे ही रखना है, और जब भी हम इसको दिन में 2 बार जैसे हम रखें तो इसको अच्छे से खोलें, क्योंकि ये जैसे जैसे ये पत्ते सूखते हैं तो ये आपस में मतलब इकट्ठे हो जाते हैं, तो इनको हमने फैलाना है, खोलना है, ताकि ये जल्दी जल्दी सूखे और खुल के पूरा पूरे पत्ते सूखे, ऐसा ना हो कि ऊपर से सूख जाए और नीचे से वो उनमें मॉइस्चर रहे, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद फिर हमें 4 से 5 दिन के बाद इसको 3 दिन की धूप लगानी है, और ये धूप में अगर आपके घर में धूप सही आती है तो ये 3 दिन में अच्छे से सूख जाएंगे, अगर धूप कम है तो आप 1-2 दिन एक्स्ट्रा ले सकते हैं। और ये हो गया। और फ्रेंड्स, मैंने इसी तरीके से, और इसको जब सुखाएंगे आप तो अखबार में इसको फैला के रखें और फिर ऊपर से मलमल का कपड़ा कवर करके रखें, ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमने जब सुखाना है तो उसको इसको हम वॉश नहीं कर सकते एज इट इज, फिर हमें इसको यूज होना करना होता है तो उसमें डस्ट बिल्कुल भी ना जाए। तो आप अंदर रख रहे हैं तब भी मलमल के कपड़े से कवर करके रखें, और बाहर आप धूप लगाएंगे तब भी इसको मलमल के कपड़े से कवर करके रखें, नीचे अखबार बिछाएं और उसके बाद फिर इसको मलमल उसमें रख के अखबार में फिर मलमल के कपड़े से कवर करके रखें। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैंने ये धूप में सुखा के रखा है सोया साग, ये देखिए, और ये फ्रेंड्स कितने अच्छे से सूख गया है, ये देखिए, बिल्कुल ये अपने आप ये पाउडर हो गया, इसको मैंने कुछ भी नहीं किया है। और फ्रेंड्स, मैं खोलने के लिए इसे कह रही थी कि ये इस तरीके से ये जुड़ जाता है, ये देखिए, तो इनको खोलना पड़ता है, और अभी ये बिल्कुल सूख गया है, इनको जैसे से हम ये खोलेंगे तो ये अपने आप ही हो जाएगा, और ये बहुत ही अच्छे से सूख गया है और एकदम क्रिस्पी हो गया, ये देखिए कैसे अलग अलग हो रहा है, ये देखिए। और फ्रेंड्स, और इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मेरे हाथों में भी, और लगता है कि पूरे रूम में ये फैल चुकी है, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। और फ्रेंड्स, इसका यूज़ तो बहुत ही है, जैसे आपने दाल में तड़का लगाया तो इसको डाल दिया, सूखा अगर आप पनीर की सब्जी बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आप इसको डाल दीजिए, आलू की सब्जी बना रहे हैं उसमें डाल दीजिए, आप इसका रायता बनाइए, और फ्रेंड्स इसकी आप चाय भी बना सकते हैं, चाय बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आप डाल दीजिए, इसको डालिए, अगर इसकी डंडी सूख रही है तो इसकी डंडी को डालिए, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं और इसको आप पूरा साल यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि जिनको जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए तो बहुत ही ये एक रामबाण का काम करती है, और जैसे जो हार्ट पेशेंट है उनके लिए बहुत अच्छी, तो बहुत सारी बीमारियों को ये कंट्रोल करती है। तो आप इसको ज़रूर घर में इसको सुखाएं ला करके और इसका इस्तेमाल भी करें। तो फ्रेंड्स, हम एक कंटेनर में रखेंगे, और ये ध्यान रखना है कंटेनर हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, इसमें गीला ना हो, नहीं तो ये सारा हमारा ख़राब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आप ये भी ध्यान रखें जब आप इस्तेमाल करना है, जैसे ये काफ़ी सारा है क्वांटिटी में, तो आप एक छोटी डिब्बी में अलग से रख लें, क्योंकि क्या होता है कई बार जैसे हमने निकालना है, हमने बड़े कंटेनर में रखा है तो हम क्या करते हैं, कई बार गीला हाथ लग जाता है या गीला स्पून लग जाता है तो वो हमारा ख़राब हो जाता है, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, छोटी सी डिब्बी में अलग से रख लें।
और फ्रेंड्स आपको लगता है कि अगर जैसे कुछ टाइम बाद इसमें थोड़ा सा आपको ये सॉफ्ट लग रहा है, इसमें जैसे जो क्रिस्पी है वो नहीं है, तो आप इसको एक दिन की धूप लगा दें, फिर ये एज इट इज वैसा ही हो जाएगा जैसा कि हमें ये चाहिए। तो फ्रेंड्स ये हो गया। फ्रेंड्स आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।